हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यदि विंडोज रनिंग में है, रनिंग करना है, तो स्टार्ट या स्टॉप हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जब हमारा विंडोज अपडेट हो रहा होता है, तो विंडोज अपडेट रनिंग में भी हो सकता है, मतलब वो ऑटोमेटिक भी अपडेट होता रहता है, और हो सकता है कि वो हमको विंडोज को अपडेट करने की आवश्यकता हो। तो हम ये स्टार्ट और स्टॉप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स नाम का ये ऑप्शन लिखना पड़ेगा जो कंट्रोल पैनल में होता है। यहाँ से डायरेक्ट हम सर्च कर सकते हैं और ये क्लिक करते हैं। ठीक, तो जब ये पेज ओपन होता है, हम वैसे भी कंट्रोल पैनल से हम डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे है सिक्योर सिस्टम एंड सिक्योरिटी। हम इसको आपको दूसरी तरह से ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, क्या होता है, हो सकता है किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ना पता हो, तो हो सकता है कि इस तरह से, ठीक ना, तुमको सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाना होगा। ये देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ठीक, कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी है। और इसके बाद हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हम यहीं से देख लेते हैं। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होगा, ठीक। तो हम फिर वही जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, ठीक। तो हम जो तरीके हमको अच्छा लगेगा वही तरीके अपना लेते हैं, ठीक। तो हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल करते हैं, फिर ये सर्विस, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सर्विस नाम से, ठीक, ये जो हमने सेलेक्ट करा है ये सर्विस, तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, जिससे क्या होती है, सर्विसेज चालू हो जाती हैं। जितने भी सर्विसेज होती हैं वो सारी शो होने लगती हैं, चालू नहीं हो जाती, शो होने लगती हैं, ठीक। अब इसमें बहुत सारे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रनिंग में हैं, ठीक, कुछ ऑटोमेटिक हैं, ये देखिए कुछ मैनुअल हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन देता है, ठीक। अब इसमें से हमको क्या ढूंढना है, विंडोज अपडेट, क्योंकि हमको विंडोज अपडेट करना है, ठीक। तो मैं बताता हूँ कैसे विंडोज अपडेट करते हैं। ये देखिए ये विंडोज अपडेट का दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक, विंडोज अपडेट, ये क्या है, रनिंग में है अभी हमारा, तो हम यहाँ से इसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक। ये तो स्टॉप हो गया, फिर इसके बाद हम ओके कर देते हैं, ठीक। तो हमारा ये जो विंडोज अपडेट था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो हम इस तरह से विंडोज अपडेट को स्टार्ट अथवा स्टॉप कर सकते हैं। सिर्फ एक ही नहीं, इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे अगर रनिंग में हैं, या विंडोज टाइम, विंडोज सर, जितने भी हैं, हम चाहें तो रनिंग में रह सकते हैं और चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। ये सभी में उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से अभी हमने बताया कि डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आप स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको अगर स्टार्ट करना है तो ये फिर क्लिक करके हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये स्टार्ट हो गया, और स्टॉप करना है तो फिर स्टॉप कर देंगे हम। तो हम इस तरह से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं अपने विंडोज अपडेटिंग को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।